बुरहानपुर जिले में 28 अप्रैल को बेमौसम आंधी तूफान के चलते केले की फसल का करीब 22 हेक्टेयर बर्बाद हो चुका है, जिसे लेकर करीब 50 करोड़ का नुकसान हुआ है। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने किसानों से आग्रह किया है कि यदि आपके मुआवजे में किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो सीधे तौर पर जिला प्रशासन अथवा मुझसे संपर्क करें, आपको आपका मुआवजा 100% मिलेगा। प्रिय किसान भाइयों व बहनों, कुछ ही दिन पूर्व हमने बुरहानपुर में प्राकृतिक आपदा को भोगा है और उस प्राकृतिक आपदा के चलते केले के किसानों ने, प्याज के किसानों ने, प्याज, मक्का, हल्दी, पपीता सभी किसानों ने बहुत बड़ी नुकसानी को भोगा है। आंधी तूफान ओले से जो क्षति हुई है उसका सर्वे प्रशासन करवा चुका है। आप इस बात पर ध्यान दें कि जो आकलन किया गया है नुकसानी का, क्षति का, वो पंचायतों में लटका होगा, सार्वजनिक किया गया होगा। अगर कहीं नहीं किया है तो आप प्रशासनिक अधिकारी को बता सकते हैं, मुझे बताएं, सुनिश्चित करूंगी कि वो सार्वजनिक होना ही चाहिए। साथ ही 51% से अधिक कि अगर क्षति लिखी गई है तो उसका मुआवजा 100% लिखा जाता है तो भी उतनी मिलनी है और 51% की भी उतनी ही मिलनी है, तो आप उसको लेकर परेशान ना हो। पर अगर किसी किसान की आगे 45% लिख दिया है, 46% लिख दिया है और क्षति उसकी ज्यादा हुई है तो आपत्ति करें, आवेदन दें, राजस्व अधिकारी को आवेदन दें। आप बताना चाहें तो मुझे उसके बारे में बताएं, अगर आवेदन नहीं देंगे तो करेक्शन नहीं होगा सिर्फ फोन पर। अगर जरा भी आपको लगता है कि नुकसान ज्यादा हुआ है, लिखा कम है, तो उसको ऑब्जेक्शन ले, आवेदन दे, वो दुरुस्त हो, इसको हम सब सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों, न्यूज चेक लाइव के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करें।